बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई महमूद नियादी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने एक नए वीलॉग के साथ और आज आपको अहमद फराद साहब की एक गज़ल सुनानी है जो कि कश्मीर जेल में है। इसके अलावा आपके सामने जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब का इख्तलाफी नोट रखना है जिसने फिर हुकूमती सफ़ों में जो है वो खलबली मचा दी है, और एंड पे आपको फिर एक दो पेज सुनाने हैं हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट के कि उस वक्त क्या हो रहा था। बहरहाल सबसे पहले जो है वो हम शुरू करते हैं अहमद फरहाद की एक गज़ल से। आपने तवज्जो देनी है, आप इंशाल्लाह जो है वो इसको इंजॉय करेंगे। बड़ी बेआबरू होकर अदालत नाचती है, बड़ी बेआबरू होकर अदालत नाचती है, न जाने किन इशारों पर अदालत नाचती है। हमें मालूम है सारे मुकद्दस अदल परवर, हमें मालूम है सारे मुकद्दस अदल परवर, वो जिनकी ताल पर अक्सर अदालत नाचती है। ये सुनकर सख्त मायूसी है रकासाओं में, ये सुनकर सख्त मायूसी है रकासाओं में कि उनके नाच से बेहतर अदालत नाचती है। जहां पर हर जुल्म नामालूम पर्दों में छुपा है, जहां पर जुल्म नामालूम पर्दों में छुपा है, उन्हीं मालूम कोठों पर अदालत नाचती है। बहुत मसरूफ है बदकारियों में जुर्म अंदर, बहुत मसरूफ है बदकारियों में जुर्म अंदर, और इत्मीनान से बाहर अदालत नाचती है। ये गजल थी अहमद फरहाद साहब की जो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा कश्मीर जेल में भुगत रहे हैं। बहरहाल अब हम आते हैं जो कल से वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, वो है जस्टिस अत्तर मनल्ला का इख्तलाफी नोट। उन्होंने नैब केस जो बराह दिखाने पर अपना इख्तलाफी नोट लिखा है, और उन्होंने सबसे अहम बात जो की है वो ये कि इमरान खान बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह हैं, एक बात उन्होंने ये की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि इमरान खान वो कोई आम कैदी नहीं हैं, और फिर उन्होंने हवाला दिया जुल्फकार अली भुट्टो का, नवाज शरीफ का और बेनज़ीर भुट्टो का कि वो भी आम कैदी नहीं थे, उन्होंने भी लोगों के वोट लिए थे और वो भी मुंतखब वज़ीर आज़म थे। इसके बाद आगे चल के वो लिखते हैं कि ये जो नैब तरमीम केस है ये अवामी दिलचस्पी का केस कैसे नहीं है, जब लोगों के पैसे लूटे गए और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो ये किस तरह करार दिया जा सकता है कि ये अवामी, क्योंकि जस्टिस काजी फाज ईसा साहब ने कहा था कि लोग इसमें दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे इसलिए ये अवामी केस नहीं है। हालांकि अवाम के पैसे लूटे गए तो जस्टिस अत्तर मनल्ला ने इसको भी टच किया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है जस्टिस अत्तर मनल्ला ने वो ये कि तासुर ये है के अदलिया का और इस्टेब्लिशमेंट का आपस में गठजोड़ है, नेक्सिस है, और ये गठजोड़ वो आम बंदों की या मुंतखब बंदों की मुंतखब नुमाइंदों की तजलील के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब उस नोट से, इख्तलाफी नोट से हट के मैं आपको कह रहा हूं कि किस तरह आप देखें कि इस गठजोड़ ने वो इद्दत केस में अपना रूप धारा कि पाकिस्तान की तारीख में एक जज वो दो ढाई महीने केस सुनता रहा और अब उसने फैसला देना था, उसने फैसला महफूज किया। जिस दिन उसने फैसला देना था उस दिन खावर मानिका ने वहाँ पे तमाशा लगाया, और बजाय फैसला देने के वो जो जज था शाहरुख अर्जुमन वो अदालत छोड़ के भाग गया, और फिर उसने क्या किया, हालांकि वो अपने चैम्बर से फैसला जारी कर देता, फिर उसने ये किया कि उसने
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو خط لکھ دیا کہ چونکہ خاور مانیکر نے مجھ پہ عدم اعتماد کیا ہے، لہذا یہ کیس کسی اور کو شفٹ کیا جائے، اور جسٹس عامر فاروق نے بھی اس کی بات مانتے ہوئے وہ ایک اور عدالت میں شفٹ کر دیا۔ اب پھر یہ کیس جو ہے وہ پھر نئے سر سے چلے گا۔ ایک دفعہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت اور طاقتور حلقے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ عدت جیسا غلیظ کیس ہو گیا، جب پہلے انہوں نے ٹیریان کیس کیا، یہ میڈیا سے ہٹے نہ، یہ میڈیا میں ڈسکس ہوتا رہے، کیونکہ ساتھ ساتھ حمود الرحمان کمیشن بھی رپورٹ بھی ڈسکس ہو رہی ہے نا، تو یہ کاؤنٹر نریٹو ہے۔ یعنی آج پھر میں آپ کو دو تین پیجز انشاءاللہ آپ کی طبیعت صاف کروں گا، یہ دو تین پیجز پھر آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ کیا کچھ ہوتا رہا، اور چشمدید گواہ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ یہ اس لیے کہ جی یہ میڈیا میں رہے، اس پہ باتیں، اس پہ ٹاؤٹ اور اس پہ بھاڑے کے ٹٹو وہ باتیں کرتے رہیں، نئی نئی اس میں سے جہتیں نکالتے رہیں، اور عمران خان کو بدنام کیا جاتا رہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کی تاریخ کا یہ پہلا کیس ہے کہ جی اس بندے نے اس عورت سے شادی کی ہے، لہذا اس کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو یہ جسٹس عطر من اللہ کے پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں کہ عام تاثر یہی ہے کہ عدالتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، جس کی وجہ سے جو نمائندے ہیں عوام کے نمائندے وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عالیہ حمزہ اور شرم جاوید خان کے ساتھ پھر کیا ہوا، ان کی ضمانت ہو گئی، ان کی روپ کار جاری ہوئی، وہ باہر نکلی، پہلے گجرانوالا پولیس موجود تھی اور انہوں نے گجرانوالا پولیس نے گرفتار کر لیا، کیونکہ سسٹم نہ عدلیہ کو مان رہا ہے، نہ سسٹم ججوں کو مان رہا ہے، نہ ان کے احکامات مان رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ججز اب اپنی سپیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص کر وہ 6 اور 7 عظیم جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے بابر ستار کی قیادت میں، جنہوں نے یہ ججوں کو راستہ دکھایا کہ آپ بھی آئینی ادارے ہیں، آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ ملک کسی کے باپ کا ہے اور اپنی مرضی سے چلائے۔ تو بہرحال اب جو ججز ہیں وہ اپنی سپیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ آگے چل کے جو ہے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ عمران خان خود اقرار کر چکے ہیں کہ جو باجوہ تھے وہ سپر کنگ تھے۔ پھر انہوں نے نواز شریف کا حوالہ دیا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، یعنی جہاں تک ہو سکتا تھا جسٹس عطر من اللہ نے اس نیکسس کو اور اس گٹھ جوڑ کو جو ہے وہ بے نقاب کیا ہے اور لوگوں کے سامنے لائے ہیں، اور انہوں نے جو حقیقت، جو سیاسی حقیقت تسلیم کی ہے، جو کہ بہت ساری جگہوں پہ ماتم برپا کر گئی ہے، وہ حقیقت یہ کہ عمران خان کے کروڑوں فالوورز ہیں، اور اس کا اظہار 8 فروری کو ہوا جب لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالے۔ لہذا یہ جو اختلافی نوٹ ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پر جانبداری کا وہ شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، پہلے کیس دکھائے جاتے رہے براہ راست اور اب آ کر وہ کیس نہیں دکھایا جا رہا، تو ججز پر جو جانبداری کا لیبل ہے وہ نہیں لگنا چاہیے، اور ججز کو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی بات کرنی چاہیے۔ یہ اختلافی نوٹ تھا جسٹس عطر من اللہ کا، اور عمران خان کے حق میں جو ہے وہ بہت بڑی وہ گواہی دی ہے اس اختلافی نوٹ نے۔ تو بہرحال اب میں آپ کو 2-3 پیج پھر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں، یعنی جو بہت برا لگ رہا ہے لوگوں کو، تو میں آپ کو ریکارڈ کے ساتھ پھر آپ کو وہ جو ہے یا خان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس کی گلے کے حلقے میں شراب چوسی جاتی، اور کس طرح سیڑھیاں چڑھی جاتی، اور رنگیلے شاہ کا سیکنڈ ورژن وہ کس طرح آیا، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ یا خان کا نام بطور رنگین مزاج حکمران کے ہماری تاریخ کے ماتھے پر سیاہ داغ ہے۔ ان کی متوالی طبیعت اور رنگین مزاجی سے ایک زمانہ واقف تھا۔
पाकिस्तान के रुमान प्रस्त हुक्मरान थे बहसियत हाकम आला, उनका एक ही काम था कि रुमान पालना और उन्हें जवान करना। वो मैदान इश्क में आज़ाद पंछी के तौर पर मशहूर थे, चुनाचे वो डाल डाल उड़ते रहे। अपनी हरकत की बदौलत याया खान ने हसीनाओं में खूब नाम कमाया। वो शराब व शबाब दोनों के रसिया थे। उनके दौरे इक्तदार को तजिया निगार रंगीले शाह का पार्ट टू करार देते हैं। याया खान की बदनाम जमाना हरकत ने उन्हें पाकिस्तान के अंदर ही नहीं दुनिया भर में बदनाम कर दिया था। उनके अहदे इक्तदार की मिसाल देते हुए दुश्मनाने इस्लाम मजाक उड़ाया करते थे। उनके दौर में बुरी शोहरत की हामिल खवातीन बगैर किसी रुकावट के ईवाने सदर के अंदर आती जाती थीं। वो पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज का कमांडर था, मगर रंडियों और कंजरियों की महफिलों को लीड करने में खासी शोहरत रखता था। अंदाजा करें, उसके ज़माने में एक औरत का नाम ईवान इक्तदार में सुबह शाम गूंजा करता था। उस औरत को लोग जनरल रानी कहते थे, हालांकि उसका असली नाम बेगम अकलीम अख्तर था, मगर जनरल रानी के नाम से उसे शोहरत मिली। ये नाम असल में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है वो इस औरत को दिया था। और आपको पता है जुल्फ़कार अली भुट्टो अपना स्कोर सेटल कर रहे थे, अपनी जगह बना रहे थे। वो गुजरात के एक थानेदार की बीवी थी जो बाद में DSP बना। 1964 में उसकी रसाई जनरल याया खान तक हुई। खूबसूरत व गुदाज बदन रंगीले बादशाह की कमजोरी था। खूबसूरत तरोताज़ा और भरा हुआ जिस्म देखते ही जनरल साहब के मुंह में राल टपकना शुरू हो जाती। इस जमाने रानी पर जवानी की बहार थी, उसके जिस्म में जवानी की कोंपलें फूटी हुई थीं। ये अलहदा बात है कि 6 बच्चे वो जन्म दे चुकी थी, 6 बच्चों की माँ थी, लेकिन फिर आपको पता है हुसन टूटकर बरस रहा था। जो रानी को एक बार देखता बार बार देखने की दुआ मांगने लगता। ऐसे में वो जनरल याया खान की नज़रों के सामने आ गई तो फिर उसी की होकर रह गई। वो न सिर्फ खुद रंगीले बादशाह की रातों को रंगीन बनाने लगी, बल्कि मुंह का जायका बदलने के लिए अपने साथ नई और ताज़ा जवानियों की खेप भी ईवान सदर लाने लगी। जस्ट इमेजिन। मुगल बादशाह रंगीला शाह के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि वो सीढ़ियाँ दोशीज़ाओं की छातियों के सहारे चढ़ा करता था। जनरल साहब ने उसकी इस रीत को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि इसमें नई जिद्दत और निखार पैदा किया। जनरल रानी निजी महफिलों में अक्सर कहा करती कि वो दुनिया भर का काम जनरल याया से करवा सकती है। जनरल याया के बारे में उसके रिमार्क्स ये थे कि उसमें खुदगर्जी और मुनाफकत इंतहा दर्जे की है। ये जनरल रानी साहबा फरमा रही हैं। उसकी रगों में खून की जगह शराब गर्दिश करती है। मुझे वो तमाम गुर मालूम हैं जिससे उसकी ख्वाहिशात की तकमील की जा सकती है। मर्दों के दिलों पर राज करने के तमाम गुरों से वाकिफ इस दिलरुबा हसीना ने, जो अपने हलके में ब्लैक ब्यूटी के नाम से मशहूर थी, अरसे दराज तक याया खान को अपना गर्वीदा बनाए रखा। याया खान और जनरल रानी का एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ। 1965 की जंग के बाद एक तकरीब में जनरल रानी ने बहुत बड़ा केक काटा। ये 1965 की जंग की याद मनाई जा रही है, इस पर गौर करें। इस मौके पर उसने नीम उरिया लिबास पहनकर रक्स किया।
साथ पंजाबी गाना ऊंची आवाज में सुनाया। जनरल याया के दौर में जनरल रानी और उसके घर वालों को सरकारी प्रोटोकॉल हासिल था। आप कहते हैं ना आईएमएफ के पैसे किधर गए, मैं कहता हूं इस पे इस मुल्क पे इतना कर्जा किस तरह चढ़ा, तो ये देख ले कंजरों को सरकारी प्रोटोकॉल हासिल था। जनरल याया खान का नाम एक दूसरी हसीना के साथ भी बहुत मशहूर हुआ, वो अदाकारा तराना थी जिसे लोगों ने कौमी तराना करार दे रखा था। जनरल साहब की महफिलों को गरमाना उसके ख़ास फ़राइज़ में शामिल था। उसका हुस्न क़यामत खेज था। उस हसीना के गले के नीचे एक थोड़ा सा हल्का था जिसमें शबाब परस्त जनरल याया खान खराब शराब भर कर चूसता था उस हलके में। याया खान की शख्सियत पर मुख्तलिफ अफराद ने तबसरे लिखे, ये सुनना है। मगरबी जरायद ने शबाब परस्त याया खान के बारे में लिखा, हर शख्स मुख्तलिफ तरीके से अपनी पसंद का नाश्ता करता है। वो लिखते हैं मसलन अंग्रेज़ नाश्ते में अंडे और सूअर पसंद करते हैं, जर्मन नाश्ते में सॉसेज पसंद करते हैं, मगर याया खान नाश्ते में जना पसंद करता है। ये तबसरा है। जिस कौम में जना फैल जाए जिल्लत व रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। 1971 की जिल्लत आमेज शिकस्त एक जानी हुक्मरानों के करतूतों का अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अजाब था। याया खान को शराब व शबाब के सिवा किसी चीज़ का होश न था। पाकिस्तान में उसका नाम जहां सियासी तौर पर मुतनाज़ा है वहीं परियों और हसीनाओं की वजह से तारीख में याद रहेगा। चंद हसीनाओं का जनरल याया पर इतना जादू था कि अमरीकी जरीदे ये सुनने न्यूज़ वीक को अपनी एक रिपोर्ट में लिखना पड़ा कि याया खान के दौर में पाकिस्तान की असल हुक्मरान सिर्फ 12 औरतें थीं। 12 औरतें। अदाकारा इंद्रलीप के बारे में पता चला है, मेरी उम्र के लोगों ने इस औरत को देखा होगा, ड्रामों में आती थी फिर गायब हो गई। क्यों गायब हो गई ये भी बताता हूँ कि वो याया खान की नाजायज़ औलाद है। ख्याल रहे ये वही अदाकारा इंद्रलीप है जिस पर उसके आशिक हनीफ घुमन ने तेजाब फेंका था, इस वजह से गायब हो गई। इंद्रलीप की वालदा जनरल रानी के ग्रुप की सरकर्दा हसीनाओं में से एक थी। जनरल रानी जिसे मिसेज आगा अपनी बहन कहती थी, यानी इंद्रलीप की माँ जनरल रानी को अपनी बहन कहती थी, उसके तवस्सुत से उसके वास्ते से उसके तल्लुकात याया खान से उस्तवार हुए। दोनों के रंगीन जिस्मानी तल्लुकात के नतीजे में इंद्रलीप पैदा हुई। मिसेज आगा खुल्लम खुल्ला कहा करती थी कि मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ याया खान का है और याया खान की तरफ से मुझे जो तोहफा दिया गया है वो ये इंद्रलीप है, इंद्रलीप का नाम लेती। अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने जनरल याया खान और दूसरी औरतों के साथ चंद गैर महज़ब तस्वीर भी शाया कर दी। उसे में जनरल याया खान ने रिसाले की पाकिस्तान में फरोख्त रुकवा दी जिस पर रिसाले ने रद्द अमल के तौर पर जनरल याया के दिल पर हुक्मरानी करने वाली तमाम हसीनाओं की तफसील छाप दी जिनमें जनरल रानी बिल्कीस खानम जनरल रानी की दो बेटियां मिसेस के हुसैन गुलुकारा नूर जहान पिशावर की एक रकासा और तकरीबन तमाम फिल्मी अदाकाराएं शामिल थीं। और ये जो नामों की फहरिस्त थी इन नामों की फहरिस्त में 500 खवातीन का जिक्र था, 500 खवातीन का बयाक वक्त। रिसाले ने यह भी दावा किया कि मज़कूरा खवातीन जनरल याया खान से तल्लुकात की आड़ में ये सुने असल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और CIA के लिए काम कर रही थी, उनकी एजेंट थी। जनरल याया खान के रंगीले मिजाज के बायस पाकिस्तानी अफवाज ही नहीं इस्लाम को भी इस्लाम दुश्मन अफराद को बदनाम करने का मौका मिला।
جنرل رانی سے ایک محفل میں یحیٰ خان نے قبل از وقت کہا تھا کہ وہ ایوب خان سے ہر حال میں اقتدار لے لیں گے، اور پھر بعد میں انہوں نے اقتدار لے بھی لیا، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا پرانا منصوبہ تھا۔ قدرت اللہ شہاب، یہ سننے والا کس ہے؟ اپنی مشہور زمانہ سوانح عمری شہاب نامہ میں یوں لکھتے ہیں، جن دنوں کشمیر کا جہاد زوروں پر تھا، میں آزاد کشمیر حکومت کا سیکرٹری تھا، پلندری اور تراڑ کھل کے درمیان ایک پہاڑی جنجال ہل میں ہمارا سیکرٹریٹ واقع تھا۔ یہاں پر چند کچے مکان تھے جن میں آزاد کشمیر کے صدر، وزراء اور دوسرے ملازمین کی رہائش گاہیں اور دفاتر تھے۔ دن کے وقت سیکرٹریٹ کا کام عموماً درختوں کے سائے میں ہوتا تھا، کسی کے پاس لوہے کی کرسی تھی، کسی کے پاس لکڑی کا سٹول، کوئی پتھروں کا چبوترا بنا کر بیٹھتا تھا، کوئی گھاس پر نیم دراز ہو کر فائلیں چلاتا تھا۔ دن میں کئی بار ہندوستان کے بمبار طیارے ہمارے اوپر سے گزرتے تھے، وہ جنگ ہو رہی تھی مقبوضہ کشمیر میں، کبھی کبھی ان کی پرواز اس قدر نیچی ہوتی تھی کہ پائلٹ کا چہرہ تک نظر آنے لگتا تھا۔ ایک روز ہم میٹنگ کر رہے تھے کہ ایک گول مٹول سا فوجی جیپ سے اتر کر ہمارے پاس آیا، چہرے پر سوجن اور آنکھوں میں گندے انڈے کی ابلی ہوئی زردی سی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں بید کی چھڑی اور دوسرے میں چمڑے کا گول تھیلا تھا۔ آتے ہی اس نے اپنی چھڑی میری ناک کے عین سامنے گھمائی اور قدرے ڈانٹ کر پوچھا، یہاں کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، سر یہ آزاد جموں کشمیر حکومت کا سیکرٹریٹ ہے۔ یہ سن کر اس کی توند تسلے میں پڑی ہوئی اوجڑی کی طرح ہلی، اس کے گلے سے گوں گاں کی کچھ رندی ہوئی آوازیں برآمد ہوئیں۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جنرل یحیٰ خان ہمارا تمسخر اڑاتے ہوئے کہہ کا فرما رہے ہیں۔ ہمارے سیکرٹریٹ کی حالت پر چند تحقیری اور نفرت انگیز پھبتیاں کسنے کے بعد یحیٰ خان بور ہو گئے اور کچھ دور پرے جا کر درختوں کی اوٹ میں ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ اپنا تھیلا کھول کر انہوں نے کچھ سینڈوچ نوش فرمائے اور پھر پیاس بجھانے کے لیے شراب کی بوتل نکالی۔ ماہ رمضان کے دن تھے، خبردار صاحب یہ حرام بند کرو، ابھی مینڈ کی وادی ہمارے ہاتھ سے نکل کر ہندوستان کے قبضے میں چلی گئی ہے، اب خدا کے غضب کو اور نہ بلو، بوتل توڑ دو ورنہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک وادی اس وقت ہندوستان نے قبضے میں لی تھی۔ یحیٰ خان نے بوتل تو نہ توڑی لیکن جلدی جلدی سامان سمیٹ کر زیر لب بڑبڑاتا ہوا 9:02:11 ہو گیا۔ شہاب صاحب یحیٰ خان کا شخصی تعارف کرانے کے بعد آگے ایک جگہ لکھتے ہیں، کئی برس بعد مجھے یحیٰ خان کی زیارت کا ایک اور رنگ نصیب ہوا۔ جب پاکستان کا دارالخلافہ راولپنڈی اور اسلام آباد منتقل ہو رہا تھا تو راولپنڈی کے لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق خیر سگالی کے لیے ایک زبردست محفل اور استقبالیہ دیا۔ مارشل لا کا بول بالا تھا، کئی سول سرونٹ چند کلیدی فوجی حکام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ یعنی سول سرونٹ آر اوز 8 فروری فارم 47 نیکسس گٹھ جوڑ، کچھ بیگمات بھی اس مہم پر اپنے خاونوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے سج دھج کر شریک محفل تھیں، اپنی بیگمات بھی وہ لائے تھے بنا سنوار کے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس انجمن میں یحیٰ خان چہک چہک کر، پھدک پھدک کر کبھی ایک بیگم اور کبھی دوسری بیگم سے ٹکراتا تھا۔ بڑی محنت و مشقت کے بعد اس نے ایک خوبصورت خاتون کو پھانسا اور اسے گھیر گھار کر باہر لان میں لے گیا۔
कुछ देर आंख मचोली का खेल होता रहा। बदकिस्मती के आलम में याया खान की आवाज़ें और उस खातून के नरमो नाजुक कह के अंदर बैठे हुए दूसरे उम्मीदवारों की छाती पर मूंग दलते रहे। फिर जोर का धमाका हुआ, ऊपर सब लोग भागकर बाहर आ गए। खातून तो एक मेज़ पर टांगें लटकाए बड़े मज़े से शैंपेन पी रही थी, लेकिन गरीब याया खान किसी कुर्सी से टकरा कर अध मोए दुम्बे की तरह नंग धड़ंगा जमीन पर चारों शाने चित गिरा पड़ा था। यार लोगों ने धकेल धकाल कर उसे उठाया। वो हनूद शुदा अकड़ी हुई लाश की तरह बेहिसो हरकत खड़ा हो गया और किसी ने उसकी पतलून ऊपर खींचकर उसकी तोंद पर फिट की। जनरल याया खान शराब पीते थे, मगर वो भुट्टो और शेख मुजीबुर्रहमान दोनों को कभी कभार साथ बिठा कर भी पी लिया करते थे। चूंकि जुल्फकार अली भुट्टो को मालूम था कि याया के शौक किस किस्म के हैं ये सुनना है, इसलिए वो लाड़काना में याया खान को शिकार खिलवाने के साथ साथ दूसरे लवाजमात से भी उनकी सेवा किया करते थे। कंजर, दूसरी सेवा अपनी जगह बनाना, मुजीब को साइड पर करना और कंधे पे मफरल डालकर दूसरी सेवा करते थे। ये जिक्र उस दौर का है जब शराब खुलेआम फरोख्त होती थी, कुब्बा खाने खुलेआम चलते थे, होटलों में गाने बजाने और जिस्म फरोशी का कारोबार खुलेआम होता था। ये नज़रिया था 1930 में डॉक्टर इकबाल का, और ये मेहनत थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और ये आधी जवानी थी आधी उम्र थी जेल में मोहम्मद अली जौहर की। ये उसका नतीजा जो है ना ये दे रहे थे ये फौजी जी। ये दुरुस्त है कि इस्लाम इन तमाम बुराइयों की ममानियत करता है, मगर शराब फरोख्त करने और ख़रीदने वालों को मुमकिन है रिश्वत लेने के लिए तो पकड़ लिया जाता हो, रिश्वत के लिए पकड़ा जाता था, थोड़ी दी है ज़्यादा दी है वैसे सब आम था, मगर उन्हें इसलिए बहुत ही कम पकड़ा जाता था कि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस तरह याशी 1960 की दिहाई में हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। इससे पहले वी लॉ कर चुका हूं कि मार्शल लॉ, शराब, औरत और जायदाद, यानी ये सब प्रोडक्ट्स थी मार्शल लॉ की और फौजी हुकूमतों की, वो वी लॉग आपने देख लेना है। अब यह 1960 से 58 में मार्शल लॉ लगा, और ऐसा महसूस होता था, ये इस बात पे गौर करना है कि हुक्मरान तबका गैर महसूस अंदाज में पाकिस्तान को सेक्स फ्री सोसाइटी की तरफ लेकर जा रहा है, सेक्स फ्री सोसाइटी। जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम ने इस्लामी कवानीन इसलिए नाफिज नहीं किए थे कि उन पर रातों रात इस्लाम की रहमतें नाजिल हो गई थी, बल्कि ऐसा उन्होंने मैज इक्तदार बचाने और मौलवी हजरात को खुश करने के लिए किया था। भुट्टो मरहूम ने शराब पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन शराब की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। जुल्फकार अली भुट्टो और उनकी काबीना के अक्सर अरकान डट कर शराब पीते थे, और सिर्फ सियासतदानों पर ही क्या मौकूफ, बड़ी तादाद में सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी यही शुगल फरमाते थे। लेकिन इन तमाम अफराद की मै नोशी के किस्से इसलिए जुबान जद आम न हुए कि उन्हें पीने का सलीका आता था, सिवाय चंद एक नौजवान हजरात के जिनमें गुलाम मुस्तफ़ा खर भी शामिल थे। जब गुलाम मुस्तफ़ा खर गवर्नर पंजाब बने तो वो शराब पीकर लाहौर के गवर्नर हाउस के कमरों और वसीओ अरीज सब्जाजार में गुलगपाड़ा मचा दिया करते थे। हाय मेरा यतीम मुल्क और हाय मेरी यतीम कौम, गवर्नर पंजाब शराब पी के गुलगपाड़ा मचा देता गवर्नर हाउस में, और वो हसीनो जमील खवातीन के साथ किस तरह तफरीही लम्हात गुजारते थे, वो अपनी जगह एक और हकीकत और तारीख का हिस्सा हैं।
इसी तरह सिंध के साबिक वज़ीर आला जाम सादिक शराब नोशी के हवाले से बदनाम इसलिए हो गए कि वो सबके सामने पीते थे और कहते थे कि मैं शराबी हूँ मुनाफिक नहीं, हाँ मैं पीता हूँ और डट कर पीता हूँ। यही कुछ हाल जनरल याया खान का भी था, वो पीते थे और डट कर पीते थे, वो शराब पीते नहीं थे बल्कि शराब में नहाते थे। और उनकी यही हरकत न सिर्फ उनके अपने लिए बल्कि उनके ख़ानदान के लिए भी रुसवाई का सबब बनी। एक मरतबा मौसूफ़ ने एक गैर मुल्की दौरे के दौरान इस कदर जहाज में शराब पी ली कि ईवान सदर के अमले को जहाज दो घंटे तक मैज इसलिए फिजा में रखना पड़ा कि सदर मोहतरम का नशा उतर जाए। आप पूछते हैं ना ये कर्जा किस तरह चढ़ा और ये काफले किस तरह दलदलों में जा के ठहरे, तो सुन लें कि जहाज पेट्रोल जला रहा है, दो घंटे ईवान सदर के ऊपर घूम रहा है कि सदर होश में आए तो नीचे उतरे। पैगाम को फैलाने की कोशिश किया करें चाहे जिसको जितना बुरा लगे। ये कहते हैं जी कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये जर्नैल जिम्मेदार नहीं है, और इसको देखकर बाकी लोग कहते थे कि जब ये खुद इस तरह हैं तो हम क्यों काम करें, हम मकानात क्यों ना बनाएं, हम जो है वो नाजायज़ कब्जे क्यों ना करें और हम जो है वो शुगर मेला क्यों ना लगाएं। क्योंकि चीनियों की एक कहावत है कि मछली हमेशा सर की तरफ से गलना शुरू होती है, तो ये सर था उस वक्त पाकिस्तान का और हालत आपके सामने है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमावे, आसानियाँ वंडूनी तौफीक अता फरमावे, अल्लाह पाक तुम्हारी रोजियाँ तो दस्तरखाना वसुत पैदा करे। मेरे को बर्दाश्त करो ना, बहुत बहुत शुक्रिया।